अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में जो एडमिशन्स चल रहे हैं तो उसका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाए। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और उसमें लिखे admission.usindh.edu.pk। जैसे आप लिखे एंटर प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशन्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली दफ़ा सिंध यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और इससे पहले आपने कभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अप्लाई नहीं किया या कोई भी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से आपने नहीं ली। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने पहले अप्लाई किया था लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ और आप दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें इस फॉर्म पे आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो बहुत सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे आपको CNIC देना है, CNIC दोबारा टाइप करना है। तो अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि मेरा CNIC नहीं बना हुआ, तो वो आप बे फॉर्म जो होता है उसमें जो आपका नंबर इंदिराज होगा वो आपको यहाँ देना है। कोशिश करें कि अपने फादर्स का CNIC ना दें, बे फॉर्म से अपना ही CNIC नंबर चेक करके वो यहाँ प्रोवाइड करें। या आपको ईमेल लिखना है और ईमेल भी आप वही दें जो आपके इस्तेमाल में हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध किसी भी तरह की जब वो करस्पॉन्डेंस करेगी तो इस ईमेल को यूज़ करेगी। तो उसके बाद आप जैसे ईमेल टाइप करेंगे तो ईमेल टाइप करके आप सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक कोड आ जाएगा, उस कोड को आपको नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड को यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर भी आप वही दें जो आपके इस्तेमाल में हो, ठीक है। उसके बाद फुल नेम, फादर्स नेम, सर नेम, तो ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करना है। जेंडर चूज़ करें तो वो सिंपल फॉर्म है, ठीक है। तो डोमिसाइल का प्रोविंस बताएंगे, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ठीक है। तो ये तमाम तो चीज़ें बताने के बाद लास्ट में जो पासवर्ड है ये आपको चूज़ करना है और अच्छा पासवर्ड चूज़ करें और उसी पासवर्ड को यहाँ दोबारा टाइप करें ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने पासवर्ड चूज़ करने में कोई गलती तो नहीं की, आपको याद भी रहेगा ये पासवर्ड पर डब। अच्छा, उसके बाद तस्वीर आपको अपलोड करना है, प्रोफाइल पिक। तो ये एहतियात से प्रोफाइल पिक अपलोड करें, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं गलत पिक अपलोड कर देते हैं, फिर पूछ रहे होते हैं कि कैसे एडिट करें। तो देखिए बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड और पासपोर्ट साइज़ पिक होनी चाहिए, तो वही एक प्रॉपर पिक आप अपनी अपलोड करें। देखिए लिखा भी हुआ है कि जो इमेज हो पासपोर्ट साइज़ हो, वाइट बैकग्राउंड हो और जो साइज़ हो लेस देन 100 KB हो। अगर साइज़ ज़्यादा है तो आप पेंट ब्रश में जाके किसी भी एडिटर में जाके, इमेज एडिटर में जाके साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरा डेटा देने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो मैं पहले से ही रजिस्टर हूँ तो दोबारा मैं डेटा नहीं दे रहा। तो ये डेटा देखिए जैसे रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे और फिर दोबारा से आपको वापस आना होगा होम पेज पर। तो जैसे आप होम पेज पे आते हैं तो अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस यूज़र्स हैं जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप CNIC और पासवर्ड देंगे जिस CNIC से आप रजिस्टर हुए हैं और जो पासवर्ड आपने चूज़ किया था अकाउंट क्रिएट करते वक्त। तो जो मैंने CNIC दिया हुआ है अपने अकाउंट में तो मैं वो लिख चुका हूँ और पासवर्ड भी लिख चुका हूँ, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं इस पेज पे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर, तो यहाँ लिखा है चूज़ डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ से आपको अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है। तो दो ट्रैक हैं हमारे पास, एक है बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स और दूसरा BS थर्ड ईयर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। तो अगर आप BS फोर ईयर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप मतलब AD आर्ट या AD साइंस किया हुआ है और अब आप थर्ड ईयर में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर किसी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, तो फिर आप BS थर्ड ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मेन कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, दादू कैंपस में या फिर नौशहर और फिरोज कैंपस में। तो इनमें से किसी भी एक कैंपस को आप सिलेक्ट करेंगे तो हम मेन कैंपस को सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको एक चीज़ जहन नशीन कर लेनी है कि आपका जो ये जो फॉर्म है ये दो स्टेप्स में फिल होगा। कितने स्टेप्स में? दो स्टेप्स में। तो बार बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो ये आपका फॉर्म अभी जो कंप्लीट होगा एंट्री टेस्ट तक के लिए होगा। जो एंट्री टेस्ट में पास हो जाएंगे कैंडिडेट्स उनके लिए फिर मजीद बाकी जो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8 ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो अभी आपका जो स्टेप होगा 1, 2, 3 ये आपको मुकम्मल करने और फिर आपकी एंट्री टेस्ट होगी और एंट्री टेस्ट के बाद बाकी फॉर्म फिल होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डाउनलोड चालान। तो पहला स्टेप है कि आपको 3000 रुपये का चालान डाउनलोड करना है। डाउनलोड बटन पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये चालान आपका लोड हो जाएगा। तो जैसे ये चालान लोड होगा तो इसके दो पेजेस होंगे, एक फ्रंट पेज ये जो आपको नजर आ रहा है और दूसरा इसके नीचे एक पेज है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें बताया हुआ कि आप कहाँ कहाँ चालान पे कर सकते हैं और किस तरह पे कर सकते हैं। तो सेकंड पेज अगर आप नहीं भी प्रिंट करना चाहते हैं तो ना करें, तो जो फर्स्ट पेज है वो बहुत अहम है, इसको ज़रूर प्रिंट करें। अच्छा, यहाँ पे अब दो आपको नंबर्स नज़र आएंगे, एक चालान नंबर है
ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये चालान नंबर आ रहा है और दूसरा एक और नंबर वन बिल आईडी लिखा हुआ है ऊपर। तो ये जो चालान नंबर है हमारे पास, ये वो स्टूडेंट यूज करेंगे, वो कैंडिडेट्स यूज करेंगे जो एचबीएल कनेक्ट या एचबीएल मोबाइल ऐप के थ्रू पे करना चाहते हैं। आप एचबीएल मोबाइल ऐप में लॉग इन होंगे और उसमें एजुकेशन सेक्शन में जाके जब देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को ओपन करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको ये चालान नंबर प्रोवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, आप वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी एटीएम मशीन पे कर सकते हैं, किसी और बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको वन बिल आईडी यूज़ करना होगी। तो ये ऊपर बताई हुई है वन बिल आईडी, ठीक है ना। तो ये वन बिल आईडी आप वहाँ प्रोवाइड करेंगे और आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वन लिंक के थ्रू पे नहीं करना चाहते तो आप इन पर्सन बैंक में जाके ये चालान डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप डिपॉजिट करें तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जब ट्रांजेक्शन पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा होता है तो स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें, और अगर आप इन पर्सन पे कर रहे हैं तो इस चालान की कॉपी अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि वापस जब हम इस फॉर्म पे आएंगे तो हमें फिर ये चालान अपलोड करना होगा। तो वंस ये चालान पे हो गया तो आप वापस एडमिशन पोर्टल को लॉग इन करेंगे, तो आप इस स्टेज पे दोबारा से आ जाएंगे। तो नीचे आप सिलेक्ट करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास कि आपने किस बैंक में पेमेंट की हुई है। अगर आपने ऑनलाइन HBL के थ्रू पेमेंट की हुई है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है ना, वन बिन और HBL कनेक्ट। और अगर आपने इन पर्सन किसी बैंक में चालान डिपॉजिट किया हुआ है तो फिर आपको उस बैंक को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो जब आप पेमेंट करने जाएं तो पहले यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि जिस बैंक में आप पे कर रहे हैं उस बैंक का नाम यहाँ मौजूद है या नहीं। तो बेहतर होगा कि इन्हीं में से किसी बैंक में पे करें, अदरवाइज ऑनलाइन पे कर दें तो बेहतर होगा। तो ऑनलाइन अगर आपने पे किया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप चालान जिस डेट को पे कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे चालान नंबर देंगे, चालान का अमाउंट यहाँ आएगा, और जो आपने चालान पे किया या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ पेमेंट का उसे ब्राउज करेंगे, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे फिर आप फर्दर फॉर्म फिल करेंगे। और फॉर्म फिल करने से पहले गाइडलाइन जरूर पढ़ लिया करें। पर अक्सर स्टूडेंट फिर हमसे पूछते रहते हैं कि फला मसला आ गया तो हम कैसे करेक्ट करें, फॉर्म एडिट नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ कि admission@usn.edu.vk यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर जो फ़ोन नंबर हैं इन पर कॉन्टेक्ट करके आपके जो ऐसे मसले मसाइल हैं जो इंडिविजुअल हैं, कि आपका कोई इमेज गलत अपलोड हो गया है या फिर आपका कोई डेटा गलत हो गया है, तो आप इन पर कॉन्टेक्ट करके अपने डेटा को करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद मैंने तो ये पहले से फिल किया हुआ है डेटा, तो पूरा डेटा यहाँ मौजूद है। आप अपना डेटा यहाँ फिल करेंगे, ठीक है ना, फुल नेम आना चाहिए, फादर्स नेम, सर नेम, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ईमेल, तो ये सारा सिंपल मतलब डेटा है, इन्फॉर्मेशन है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप जब फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका फॉर्म यहाँ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आप मज़ीद जो स्टेप्स हैं जब एंट्री टेस्ट हो जाएगी उसके बाद ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी ये आपका पहला पार्ट मुकम्मल हो गया एडमिशन फॉर्म का। अब आपको प्रिपरेशन करनी एंट्री टेस्ट की, तो अगर आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नया आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियो आप तक टाइम पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।